देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस ऑफ गैस, ठीक है ना। तो फॉर आइडियल गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच गैस मॉलिक्यूल्स कैन हैव इट्स एनर्जी, ठीक है ना। फॉर आइडियल गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए गैस मॉलिक्यूल्स कैन हैव इट्स एनर्जी। तो ये हमारी लिए डेफिनेशन रहेगी बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ठीक है ना। कि फॉर आइडियल गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए गैस मॉलिक्यूल कैन हैव इट्स एनर्जी, ठीक है ना। आपने एक्सेस डिफाइन कर रखी है, तो इसके तीन कंपोनेंट आप कर सकते हैं कभी भी वी वेक्टर के, वी एक्स, वी वाई और वी जेड, ठीक है। हाँ बताइए बेटा। हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम से कर रहा हूँ बेटा। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है हमारे लिए, कि एक आइडियल गैस कितने डिफरेंट तरीके से, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए गैस मॉलिक्यूल्स कैन हैव इट्स एनर्जी, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल्स के ऐसे अब वी एक्स, वी वाई, वी जेड कंपोनेंट हो सकते हैं बस, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, तो उसको जनरलाइज कर लिया कि एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड कंपोनेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी इंस्टेंट पर। तो इसलिए आपकी जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वी एक्स, वी वाई और वी जेड तीन कंपोनेंट होने की वजह से कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, ठीक है। बट एक सिंगल मॉलिक्यूल गैस का आपने आइडियल गैस में मान रखा है कि वो साइज उसका है ही नहीं, ठीक है ना। तो साइज उसका बहुत ही छोटा है, तो जो आप 2/5 mr² है, कैसे भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो वो सिंगल मॉलिक्यूल का नेग्लेजिबल आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सिंगल मॉलिक्यूल में कोई भी रोटेशनल एनर्जी नहीं मानी जा रही है, आइडियल गैस में सिर्फ क्या है आपकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसलिए क्योंकि केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है सिंगल में, ठीक है। सिंगल मॉलिक्यूल में क्या लिया गया, सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही हो सकती है, रोटेशनल नहीं हो सकती, क्योंकि उसका आई नेग्लिजिबल है। तो ½ i ω² की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेग्लिजिबल आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एक मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहलाएगा, थ्री कहलाएगा, ठीक है ना। मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहलाएगा, बेसिकली ये थ्री इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, ये ध्यान रखें आप, इंडिपेंडेंट है। तो अगर वी वाई चेंज होगा तो वी एक्स और वी जेड में कोई चेंज नहीं आ सकता, वी एक्स चेंज होगा तो फिर वी वाई और वी जेड तो इंडिपेंडेंट है, वी एक्स, वी वाई और वी जेड तीनों कंपोनेंट, ठीक है ना, एक दूसरे का इंडिपेंडेंट है। ये कभी भी वी एक्स 1/2 हो गया तो वी वाई और वी जेड चेंज नहीं होंगे, तो डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच इसकी एनर्जी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो ट्रांसलेशनल एनर्जी है केवल। तो इसलिए मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होती है, थ्री के बराबर होती है, ठीक है। अब यही आप डायटॉमिक गैस में चले जाइए, डायटोमिक गैस में क्या हो जाएगा, देखो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक की कितनी होती है, थ्री होती है। ट्रांसलेशनल तो हर गैस की थ्री होगी, सबके किसी भी मॉलिक्यूल, पूरा एक मॉलिक्यूल है मान लो, डायटोमिक गैस भी है तो उसके दोनों एंड पर मॉलिक्यूल रखे, तो मॉलिक्यूल एक्स वाई जेड कर सकता है, वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या दिक्कत है, ठीक है। तो कैसी भी गैस हो, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ट्रांसलेशनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने होंगे, थ्री होंगे। तो ट्रांसलेशनल की बात खत्म हो गई है, ठीक है। मोनो एटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक हो, तीन तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ही उसकी, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बात आती है रोटेशन की, मोनो एटॉमिक में रोटेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोनो एटॉमिक में आई नेग्लिजिबल है। बट अगर दो मॉलिक्यूल हैं तो फिर ये बीच की रीजनेबल होती है, जिसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। एक ये परपेंडिकुलर एक्सेस देखो, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, और इसका मोमेंट
ऐसे घूमने पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, नेग्लिजिबल हो गया। ऐसे घूमने को डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट नहीं किया गया, ठीक है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2 होती है। देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 2, तो इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितनी होती है? 5 होती है। तो ये फिक्स हो गई है, ठीक है ना, कि हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। अगर ये हाई टेम्परेचर जैसा वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, 3 ट्रांसलेशनल होती हैं केवल। बट अगर आपका डायटोमिक गैस है, ठीक है, तो डायटोमिक गैस में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2 होती है, तो टोटल 5 होंगी। बट एक टर्म और आता है, अगर कभी हाई टेम्परेचर लिख दें, ठीक है, तो डायटोमिक में एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ सकती है। इस पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं अपनी बॉन्ड लेंथ के अलावा। और जब वाइब्रेशन करते हैं तो एक वाइब्रेशन में दोनों एनर्जी आती है बेटा, काइनेटिक भी आती है, ठीक है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स माना, एक ही मॉलिक्यूल्स एटम अगर हैं वो तो है ही, उनके बीच तो अट्रैक्शन, तभी तो मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो अगर वाइब्रेशन और ले लेंगे आप अगर, तो फिर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाती है, ऐसे ध्यान रखें। एक वाइब्रेशनल मोड है इस एक्सेस के अबाउट इनका, तो एक वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाती हैं, तो 2, बिकॉज इन वाइब्रेशन विद काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों आती है पिक्चर। तो फॉर डायटोमिक गैस एट हाई टेम्परेचर, अगर बोलता है आपको अलग से लिख दिया हाई टेम्परेचर, तो फिर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 और ऐड कर देंगे, क्योंकि तो बहुत रेयर केस है, कभी आज तक तो बोला नहीं, बट अभी कभी बोल देते। नहीं तो हम स्टैंडर्ड लेते हैं, मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। बट अगर हाई टेम्परेचर वर्ड यूज कर रहा है तो डायटो मोनोएटॉमिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा 3 रहेगी। बट डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, ठीक है, डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपके यहाँ तक डायटोमिक था। अब पॉलीएटॉमिक गैस देखते हैं।